नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक एयरबड्स रिपेयरिंग के लिए आया है। इसका प्रॉब्लम ये है कि इसको कितना भी देर चार्जिंग में लगा दिया जाए, चार्जिंग तो शो हो रहा है लेकिन 100% दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही चार्जर निकाल रहे हैं फिर उसमें कोई चार्जिंग नहीं हो रहा। यानी चार्जिंग लगाते वक्त इसमें अगर इसको चार्ज किया जाए, छोटे छोटे जो हमारे ये ईयर वाले स्पीकर हैं, तो चार्ज होगा, लेकिन जैसे ही चार्जर निकाल दिया जाता है उसके बाद इसमें चार्जिंग नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ भी हमारा डिस्प्ले जी मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आइए सबसे पहले हम चेक करके दिखा देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं लगाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ जैसे ही देखिए मैंने लगाया तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर भी जलने लगे और यहाँ डिस्प्ले पर यहाँ 100% दिखाने लगा। ठीक है, और दोनों साइड के हमारे ये स्पीकर चार्ज हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसको हम निकाल देंगे, देखिए जैसे ही निकाल देंगे ये हमारा डिस्प्ले का लाइट चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्पीकर को हम यहाँ बाहर कर देते हैं, और यहाँ शायद सबको पता ही है लेकिन एक बार बता देते हैं कि यहाँ ये जो हमारे ये ईयर पीस होते हैं ये चार्ज होने के लिए, देखिए यहाँ पे दो पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ दो पॉइंट, यही दोनों पॉइंट आपका यहाँ पे आके जब इस तरह से हम यहाँ रखते हैं तो यही आके वहाँ पे सटता है। ठीक है, और इसके बाद ये चार्ज होता है, यहाँ पे हमारा सप्लाई रहता है। ठीक है, तो अभी हमारा ये चार्जिंग नहीं हो रहा है तो इसको सबसे पहले खोलना है। खोलने के लिए देखिए इस तरह के लगभग ज़्यादातर के आते हैं जो ईयरबड्स आपके, उसमें कोई स्क्रू नहीं लगा होता है कि आप स्क्रू मतलब खोल के फिर इसको खोलें, सारा लॉक सिस्टम पर ही होता है। तो इस तरह देखिए आप कोई टूल ले लेंगे। ठीक है, और टूल ले कर फिर यहाँ साइड में आप बड़े आराम से इस तरह से आपको देखिए कहीं जहाँ थोड़ा सा ही घुस जाए वहाँ घुसा के, और उसके बाद फिर आपको इस तरह से खोलना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ईयरबड्स है ये खुल चुका है। ठीक है, और खुलने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारा 3.7 वोल्ट का ये लिथियम आयन बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये लगने से इसका बैकअप भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ बैटरी को, क्योंकि सबसे पहला चीज़ होता है कोई वायर तो नहीं टूटा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी का हमारे वायर बिल्कुल जुड़ा हुआ है, यहाँ वायर हमारा नहीं टूटा हुआ। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रॉपर वोल्टेज है या नहीं है। तो उसके लिए मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट के रेंज में हमको रख लेना है। 20 वोल्ट में रखने के बाद यहाँ प्लस माइनस पे हम लगाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमको कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ 0 मतलब 0 है, कोई वोल्टेज हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब इस तरह का प्रॉब्लम आपको आपके पास भी अगर आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ वोल्टेज नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर वापस यहाँ पे चार्जर आपको लगा लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए चार्जर आपको लगा लेना है। चार्जर लगा लेने के बाद अब फिर आप बैटरी का जहाँ वायर जुड़ा हुआ है उस पर आपको वायर यहाँ पे आपको सप्लाई चेक करना है। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो सप्लाई हमको यहाँ पूरा मिल रहा है, यानी 4.2120 यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ से चार्जिंग हमारा कनेक्टर सही है और इसकी सर्किट भी सही है, यहाँ तक वोल्टेज पहुँच रहा है। प्रॉब्लम यहाँ बैटरी का है। ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपका, यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो फिर आपका चार्जिंग कनेक्टर से प्रॉब्लम हो सकता है या इसके सर्किट से आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, बैटरी यहाँ से सबसे पहले निकाल देते हैं, पहले चार्जर निकाल देते हैं। चार्जर निकाल देने के बाद यहाँ से बैटरी को हम हटा देते हैं। अब दोस्तों बैटरी हटा लेने के बाद, चूँकि आपको इस तरह का मार्केट में बैटरी बड़े आराम से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए क्लिप लगा हुआ है, बैटरी मिलता है। ठीक है, तो हमको यहाँ क्लिप की ज़रूरत है नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे बस जितना वायर हमारा लगाना है उतना ही वायर यहाँ से हम कट कर लेंगे, जिससे हमारा बैटरी इसमें अच्छे से बस सेट हो जाए। ठीक है, देखिए इस तरह से इतना करके, और दोनों एक साथ मत काटिएगा नहीं तो आपका स्पार्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इतना वायर कट कर लेना है, और कट कर लेने के बाद यहाँ पे आपको प्लस माइनस देख के और सोल्डिंग
का लेना है। तो यहाँ पे क्या है, आपको प्लस पे प्लस जोड़ना है, बिल्कुल उल्टा यहाँ पे आपको नहीं जोड़ना है, नहीं तो अगर उल्टा आप जोड़ देते हैं तो आपका पूरा सर्किट यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ हमारा सप्लाई जुड़ चुका है। अब सप्लाई जोड़ देने के बाद एक बार हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए स्विच दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच होता है, आपको किसी साइड में स्विच देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ स्विच को दबाते ही हमारा टार्च यहाँ पे जलने लगा और यहाँ पे आपको 83% हमको ये दिखा रहा है, 83% हमारा यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। अब एक बार बिना चार्जर लगाए यहाँ पे अपने इस छोटे छोटे जो हमारे स्पीकर हैं इनको भी लगा के एक बार चेक कर लेंगे। ये दोस्तों इधर का है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा इस ये भी हमारा चार्ज होने लगा। और दूसरा स्पीकर लगा लेते हैं तो दूसरा स्पीकर भी हमारा यहाँ पे चार्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी 83% है तो हमें इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके बाद इस्टा जैसे आपका चार्जिंग नहीं ले रहा है तो उसमें आपका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यहाँ से चार्जिंग कनेक्टर या इसके बाद कोई सर्किट, ठीक है। अभी दोस्तों ये हमारा 100% रिपेयर हो चुका है, यानी हमारा ये सही हो चुका है, ठीक है। तो आइए फटाफट इसको हम बांध देते हैं। बांधने के लिए यहाँ क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे कोई स्क्रू तो है नहीं, तो बस आपको क्या करना है, जिस तरह से ये था उसी तरह से आपको एक कनेक्टर वगैरह देख लेना है किस साइड में है, उसी तरह से यहाँ लगा के और फिर आपको यहाँ पे बैठा देना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा LED है, LED को इस साइड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से बैठा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल बैठ चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ हो गया, हमने जिस बॉक्स को यहाँ बाहर निकाल लिया था इसको हम बाद में फिर सेटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके पास कोई भी ईयरबड्स है और ख़राब हो चुका है तो एक बार खोल के ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है आपका बहुत सस्ते में आपका रिपेयर हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।